तो मैंने ये आज दूसरी साइकिल लेके आया हूँ एक दोस्त की टेस्ट ड्राइव के लिए। कैसी है? और बारिश हो गई थी इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर रुक गया था। चलो एरिया बारिश के बाद भी एकदम क्लीन दिखाई दे रही है। ऊपर मतलब एक भी तारे नहीं है लेकिन क्लीन बहुत ही है। यहाँ पे नज़दीकी एक पुलिस स्टेशन है इसलिए मुझे देखेगी तो क्यों एक हाथ से चला रहा है बोलेगी लिए इसलिए जल्दी दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। और वहाँ पे एक एम्बुलेंस आई हुई है शायद कुछ वहाँ से प्रॉब्लम हुआ। बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ही है अभी जल्दी जल्दी जाते हैं। ये तो अच्छी है यार ये साइकिल बहुत तगड़ी है देखने में भी बहुत स्ट्रांग दिख रही थी। हैवी वाकई बहुत स्ट्रांग है। और आज बारिश हो गई है इसका मतलब ठंड और भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना दिवाली आ रही है यहाँ की दिवाली आ रही है। अरे टकराना जाऊं कभी टकराना जाऊं कहीं। देखो कितना कोहरा है दूर देखो तो एकदम ही ज्यादा बादल है क्योंकि यहाँ पे अब ये इस अब अरे यार बूंद टपकने लगी मेरे हाथ में पड़ी यार अभी बारिश पकड़ लेगा मेरे को अब जुकाम हो जाएगा यार मेरे को बचा लो। नहीं तो मैं कह रहा था कि ये जो अभी ऐसा मौसम हो रहा है ना तो आज हो गया आज होने की वजह से अब ठंड जो है ऐसा दिखेगा कि धूप आ रही है ना लेकिन इतना कोल्ड हो जाएगा कि वो धूप का मतलब कुछ मायने ही नहीं रहेगा। हवा एकदम कोल्ड आएगी है ना एकदम ही बर्फ ही जमाने जैसे वाली आएगी। और हवा की बात करें और उसके बाद क्या कहते हैं मौसम भी एकदम क्या क्लाउडी भी हो जाता है और फिर से हमें धूप आ जाती है क्लाउडी धूप क्लाउडी धूप। मैं इतना कुछ लगा के आया हूँ फिर भी मैं कोल्ड मैसेज कर रहा हूँ और मेरा मोबाइल भीग गया अभी पूरा भीग गया। एक में पंजा है एक में नहीं है। ये रास्ता पूरा खाली है पूरा। चलो चलते हैं पीस है ये जगह में। मुझे ठंड की वजह से बहुत ही जल्दी घर जाने का मन कर रहा है लेकिन वैसे सोचा जाए तो एकदम पीस है। ये एक बंदा आकर पूरा पीस चुरा लेगा फिर से पीस।
यहाँ पे सच में अगर जोक जोक अगर दूर करके है ना और जापान के बारे में अच्छे से बताया जाए तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको अगर यहाँ पे आना है या फिर है ना चलना है तो मतलब एकदम सेफ जगह है। ऐसा नहीं है कि कभी भी एक्सीडेंट होता है, लेकिन उस दिन ध्यान रखिएगा जिस दिन इन लोगों का मतलब हॉलीडे है कल, जैसे कि फ्राइडे हो गई, फ्राइडे के दिन ये लोग एकदम बुरा गाड़ी चलाते हैं। मतलब रात को कोई पी कर ही चला देता है, उस टाइम पे एकदम ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो बाकी के दिन ये लोग एकदम केयरफुल। उस दिन का मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग मतलब सीधा आके तुमको ठोक देंगे, सिर्फ इतना है कि वो थोड़ा ओवर स्पीडिंग कर देंगे, उसकी वजह से थोड़ा खतरा बढ़ जाएगा। बारिश हो रही है अब तो आ ही गया। ये ओल्ड एज केयर सेंटर है ये वाला, रेड हो गया, ग्रीन हो जा सी। चलो इसी के उधर के साइड में एक सबसे बड़ा यहाँ का हॉस्पिटल है जिसका नाम है सिटी हॉस्पिटल, क्योतो सिटी हॉस्पिटल। बहुत बड़ा है ये एरिया का, शायद क्योतो सिटी में ही सबसे बड़ा होगा मेरे हिसाब से, मैंने देखा तो नहीं है लेकिन बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे ये न्यू एक डिपार्ट बना लिया है इन लोगों ने, किसका है मेरे को पता नहीं, वो मॉल तो नहीं है, किसी और चीज़ का है, मैंने देखा नहीं है अभी भी। अभी भी ये बन रहा है ऐसा है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अरे यार बारिश थोड़ा तेज हो गई, मोटा भाई जल्दी जल्दी चलो, मेरा मोबाइल भी जाएगा रे। बस की स्टैंड, वेंडिंग मशीन, घर, मेरे से लिटरली एक हाथ में पंजा है जो एकदम ठीक है, दूसरे में नहीं है जो जम चुका है अभी। बंदे ने डरा दिया यार, मेरे को लगा कि सीधा आगे मारेगा, आवाज की वजह से मेरे को लगा बहुत नजदीक है लेकिन बहुत दूर था। चलो पहुंच गए घर तो। अरे हाँ जम गई अरे।